चैन इंडियन रोस्टर एक बारी फिर आपके सामने। कल जो पंजाब में बहुत ही बेहद बेशर्मनाक हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक बीच सड़क पर रोकने का, और पंजाब की सरकार ने ये बोल दिया है, बयान जो दिया है, कि अचानक से लोग आ गए थे जिनको हटाना बहुत मुश्किल हो गया था और उनको हटाने में आधा घंटा एक घंटा लगता है। मुझे लगता है कि सबसे बेशर्मनाक कोई हादसा हुआ होगा तो वो यही है। एक देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो उस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद की जा सकती है कि एक आम आदमी को सिक्योरिटी देगी? किस उम्मीद से हम यहाँ रह रहे हैं हमें खुद नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है उसकी इंटेलिजेंस को ही खबर होती है और अदर किसी को खबर नहीं होती। चन्नी साहब ने बहुत ही अच्छे लहजे में ये बोल दिया कि जी प्रधानमंत्री ने पहले ऊपर से जाना था फ्लाइट से, अब वो एकदम से नीचे का उन्होंने मूड बना लिया। तो चन्नी साहब, मैं कोई मंत्री तो नहीं हूं लेकिन इतना मुझे भी पता है कि एक हवाई रूट और एक रोड रूट दोनों तैयार होता है जब प्रधानमंत्री निकलता है, कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर फ्लाइट नहीं चल पाती है, कोई और दिक्कत होती है, तो नीचे के रास्ते से, इट मींस रोड के रास्ते से उनको अपनी जगह तक पहुंचाया जाए। क्या पंजाब सरकार सो रही थी या वो ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री को मार दिया जाए? जिस जगह पर प्रधानमंत्री खड़े थे वहां से 10 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान का बॉर्डर, कुछ भी हो सकता था चन्नी साहब। और आपको उम्मीद भी नहीं है कि अगर कल प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता तो क्या होता? आज पूरा देश आपके पुतले फूंक रहा है, पूरे देश में आगजनी हो रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आपको मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा कॉल किया गया तो आपने कॉल नहीं पिक किया। चन्नी साहब, हम किस भरोसे रह रहे हैं आपके भरोसे पे? क्या सोच के रहे हैं कि अगर हमको कभी जरूरत पड़े आप तो फोन ना उठाओ? और हम तो आम आदमी है सर, आप तो प्रधानमंत्री का फोन उठाना जरूरी नहीं समझते? हम तो आम आदमी है, हमें तो कोई मार के चले जाएगा, आप तो फोन नहीं उठाओगे हमारा भी? चन्नी साहब, इसी अगर दुनिया में रह रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा अकल को ताला मारो। एक तो कांग्रेस का नहीं मुझे समझ में आता कि वो क्यों ऐसा करती है, हर प्रधानमंत्रियों के साथ कांग्रेस की 36 का आंकड़ा ही चलता है, खुद बने तो ठीक नहीं तो गए। वो पप्पू विदेश की धरती पर बैठ के इंडिया के बारे में बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। क्या डिस्कस चल रही थी कि प्रधानमंत्री को मार दिया जाए? आज पूरा देश एक तरफ हो रखा है और पंजाब अकेला एक तरफ हो रखा है। हमारा भारत लोकतांत्रिक है और इस लोकतंत्र का राजा है जिसको कल 20 मिनट तक सड़क पर खड़ा के रखा था आपने। आप समझ नहीं सकते हो, चाइना के पास दूसरी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारी है। अगर कल कुछ हो जाता, कोई अनहोनी घट जाती तो कितना बड़ा बवाल मच जाता। और शर्म आपको तब आनी चाहिए थी जब प्रधानमंत्री जाने के बाद बोल के गए कि चन्नी साहब को धन्यवाद कहना कि मैं सरेआम साक्षात वन पीस में वापस लौट गया हूं। क्या होगा इस देश का अगर आपके ऐसे नेता रहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता आपके लिए।